हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ही होंगे। आज का वीडियो बड़ा स्पेशल होने वाला है। बहुत दिनों के बाद आज हम ब्लॉग पोस्ट कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यू ब्लॉग्स आए, बट क्या करें, नई जगह है, टाइम लग रहा है सेटल होने में। जितना भी टाइम बच रहा है उतना सब, अभी तो हमें जॉब भी लगा है। आज के वीडियो में हम वही बात करने वाले हैं कि माय फर्स्ट जॉब इन ऑस्ट्रेलिया। वो टी शर्ट से तो समझ ही गया होगा क्या जॉब है हमारा, देख सकते हो आप। तो चलिए भाई, बात करते हैं अभी जॉब के बारे में। ऑस्ट्रेलिया में जॉब की क्या सिचुएशन है और क्या इजीली आपको जॉब मिलता है या नहीं मिलता है। तो अभी हम बात करने वाले हैं न्यू साउथ वेल्स स्टेट के बारे में। उसमें भी पर्टिकुलरली हम हैं वोलंगोंग में। वोलंगोंग एक सबअर्ब कह सकते हो आप। तो वहाँ पे अभी हम आए हैं अब हमारे दोस्तों के पास 2-3 महीने के लिए। तो फिर यहाँ पे आने के बाद हम तो लैंड हुए थे 2 या 1 तारीख को शायद से, इस महीने के नवंबर के। तो उसके बाद हमने जॉब ढूंढना शुरू किया। यहाँ पे जॉब कैसे ढूंढते हैं उसका एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे हम, वो आएगा जल्दी ही, उम्मीद करते हैं जल्दी आएगा। बट उससे पहले क्या क्या हुआ हमारे साथ, हमने कुछ जॉब अप्लाई किए बट रिस्पॉन्स तो वही आता है, अनफॉर्चुनेटली वी विल नॉट मूव फर्दर, ऐसे कुछ रिस्पॉन्स आता है उनका। दिन के आप कितने भी एप्लीकेशन करो, 20-25 रिस्पॉन्स तो सेम ही आता है। फिर ऑस्ट्रेलिया में लैंड होने के बाद ये मेरा पहला जॉब है और मुझे ये जॉब लगा है नियर अराउंड 2-3 महीने बाद। आप ये भी कह सकते हो कि मैं जब लैंड हुआ ऑस्ट्रेलिया में, फिर मैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में गया, वहाँ पे जाने के बाद मेरा हाथ फ्रैक्चर हो गया था, तो उसकी वजह से भी मैंने जॉब हंटिंग बंद कर दी थी क्योंकि मेरे से काम नहीं हो सकता था तब। तो इसलिए मैंने जॉब ढूंढा नहीं और थोड़ा मेरे पढ़ाई पे ही फोकस किया था उस टाइम पे। बट क्या पता पढ़ाई भी ठीक से की थी या नहीं बता नहीं सकते, रिजल्ट आने के बाद पता चल ही जाएगा। बट अभी वोलंगोंग में आने के बाद हमने डिसाइड किया था कि अभी हमें छुट्टियां लग गई है, वेकेशन है, 2-3 महीने का टाइम है, तो कुछ ना कुछ जॉब ढूंढते देखते करते कितने पैसे बनते क्या बनते। तो आज के वीडियो में हम पूरा मतलब पर आवरली कितना रेट होता है वो भी देखते हैं, और क्या आप मतलब पार्ट टाइम कैजुअल जॉब करके यहाँ पे आपकी सेमिस्टर की फीस निकाल पाओगे या नहीं, वो भी डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने टी शर्ट देखा होगा, आपको पता ही होगा हम पिज़्ज़ा हट में लगे हुए हैं अभी। तो फिलहाल के लिए हमें पिज़्ज़ा हट ने ले लिया है, और वो भी कैसे लिया, यहाँ पे रेफरेंस है। रेफरेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है भाई यहाँ पे। तो हमारा एक दोस्त है आशुतोष भोसले करके, वो पिज़्ज़ा हट का मैनेजर है, तो उसने मेरा रेफरेंस दिया वहाँ पे, और फिर उन्होंने मुझे ट्रायल वगैरह के लिए बुलाया और फिर उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुझे। और ये जॉब भी यहाँ पे है, कैश पे दे रहे वो, तो अभी कैश पे दे रहे मतलब आपको उस पैसों पे कोई भी टैक्स नहीं भरना होता है। कैश पे ऑलवेज डील बेटर रहती है, बट कैश के बहुत ज़्यादा लॉस भी, आपको वो किसी और वीडियो में बताऊँगा कि कैश जॉब अच्छा है या TFN जॉब अच्छा है। बट फिलहाल के लिए यहाँ पे पिज़्ज़ा हट में मुझे रोल दिया गया है डिलीवरी का। तो अभी आपको क्वेश्चन आता होगा, भाई डिलीवरी के लिए गाड़ी कहाँ से आएगी? तो भाई डिलीवरी के लिए गाड़ी भी पिज़्ज़ा हट वाले प्रोवाइड करते हैं, तो गाड़ी भी उनकी है, तो उस हिसाब से उनका पर आवरली मुझे वो दे रहे, $20 पर आवर दे रहे मुझे, $20 ही दे रहे पर आवर मुझे, और $20 कैश हो जाते हैं। और जब कॉलेज चालू होता है तब परमिशन 24 आवर्स पर वीक की होती है, बट अभी तो छुट्टियां है तो अभी लिमिट नहीं है कोई भी, हम कितना भी काम कर सकते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमें वो 24-25 घंटे ही शिफ्ट दे रहे पिज़्ज़ा हट वाले, उससे ज़्यादा शिफ्ट नहीं मिल पा रही है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हो आपका पर वीक का कितना हिसाब हो रहा है, 25 × 20 भी कर लोगे तो भी $500 ही बन रहे हैं हफ्ते के। इंडियन करेंसी में आप कन्वर्ट कर लो, $500 मतलब कुछ 25,000 हो जाते हैं एक हफ्ते के। उसमें से भाई एक्सपेंसिव आपके चले जाएंगे,
15-20 हज़ार तो आराम से एक्सपेंस चले जाएंगे भाई, और बचेगा क्या आप ही सोच सकते हो। तो अभी हम आए हुए थे डिलीवरी करने के लिए, तो डिलीवरी तो हो गई है, तो सोचा चलो एक वीडियो भी बना देते, बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं आई है। बैग में पिज़्ज़ा आता है और जो भी एड्रेस होता है वो आपको हमारा शॉप, ये आप पीछे देख सकते हो, इसे कहते हैं ये ओवन से पिज़्ज़ा बाहर आता है, वहाँ पे पीछे कट होगी बॉक्स में पैक होकर डिलीवर।
ज़्यादातर नहीं मिल रहे हैं कुछ, तो कुछ ऐसा है हमारा शॉप और ये है जिस। तो भाई रात को काम ख़त्म करके हम सीधा आ गए थे घर पे, रात को वीडियो कंप्लीट करने का टाइम नहीं मिला, तो सोचा चलो अभी सुबह सोने के बाद उठने के बाद वीडियो कंप्लीट किया जाए। तो आज की वीडियो में हमने देखा हमारा शॉप क्या है।